जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि विशिंग्स एंड ब्लेसिंग्स जो एनजीओ है वो 31 जुलाई सैटरडे को 7 से 8 बजे एक फंड रेजिंग कॉन्सर्ट कर रहे हैं कवाली के बारे में। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं समी नियाजी जी। तो अब मैं अपनी बोली थोड़ी सी बंद कर देता हूँ और समी नियाजी जी को बताता हूँ कि आप बताइए कि जो ये प्रोग्राम है वो किस चीज के बारे में। जी सबसे पहले जितने लोग भी इस वक्त देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। और कल के शो के बारे में अगर हम बात करें तो कल का जो शो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉज के लिए है। और COVID-19 की वजह से जो लोग प्रॉब्लम में हैं उनके लिए ये शो होने जा रहा है। और विशेज एंड ब्लेसिंग इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है पूरी टीम बहुत ही दिल से। और विशेज एंड ब्लेसिंग बुक माई शो बुक अ स्माइल 92.1 FM ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। बहुत मेहनत से इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो एक अकॉज के लिए शो होने जा रहे हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो ग्रुप है कल जो हम इसमें परफॉर्म करेंगे शाहिद समी नजी इंटरनेशनल सूफी सिंगर्स के नाम से हमें जाना जाता है। और हम लोग रामपुर यूपी से हमारा ताल्लुक है और यहाँ के हम रहने वाले हैं। और सुफियाना कव्वाली हमारा प्रोफेशन है। हमारा इसके इस म्यूजिक के थ्रू हम लोगों तक पहुँचते हैं। और उन लोगों के लिए जो जिन्होंने पहले कभी कव्वाली के बारे में सुना ना हो, या बहुत बार ही होता है कि हम कव्वाली सुनते हैं, ठीक है, जैसे YouTube पे या कोई इवेंट हो तो हम सुनते हैं वहां पे, लेकिन उनको पता नहीं है कि कव्वाली का मतलब क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। तो उसके बारे में अगर आप संक्षेप में हमें थोड़ी बता सकते हैं कव्वाली के बारे में। देखिए सर, अगर हम इसके डीप में जाएंगे और इसको डिटेल से आपको बताना चाहूँ तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बहुत ही शॉर्टली अगर कहना चाहूँ तो कव्वाली जो है वो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ के कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ से इसको ये लगभग 850 साल से इंडिया में हो रहा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ने इसको यहाँ स्टार्ट किया। और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं जो सुफियाना कलाम गाए जाते हैं चाहे वो फारसी लैंग्वेज में हो चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में हो चाहे वो पूर्वी लैंग्वेज में हो चाहे वो उर्दू लैंग्वेज में हो चाहे वो पंजाबी लैंग्वेज में हो किसी भी लैंग्वेज में हो बट उन सब कलामों के और इस सुफियाना म्यूजिक का जो एक खासियत है वो यही है कि इसको आप दिल से गाएं और दिल से सुने सो आप बहुत ही जल्दी बहुत ही इजिली कनेक्ट हो सकते हैं गॉड से ईश्वर से अल्लाह से और अपने मुर्शिद से। इसको सुनने के बाद फिर आप कहीं भी आप अपने आप को सिर्फ वहां पाएंगे जहां बहुत मुश्किल होता है पहुंचना। ये इसकी खासियत है सुफियाना कव्वाली। और जो ये जो कोविड महामारी आई है, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, इसने कैसे जो जैसे कवाली जो लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका ग्रुप हो या दूसरे भी इतने सारे ग्रुप्स हैं भारत में और दूसरी जगहों में, वो कैसे एग्जैक्टली अफेक्ट किया है? बिकॉज इवेंट्स के बिजनेस को तो बहुत ही बैडली अफेक्ट हो गया, सब कुछ वर्चुअली शिफ्ट हो गया है, तो उसके बारे में बताइए आप। जी उसके बारे में कहना चाहूँ तो बहुत ज्यादा सोचा नहीं था कभी इसका कि इस तरह से भी ये भी आएगा और इसको भी फेस करना पड़ेगा। और बहुत ही मुश्किल बहुत ही टिपिकल टाइम। आप देखें अगर हम जिन कंट्रीज में या हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा जहाँ कोविड से राहत थोड़ा रिलीफ मिला है तो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी हैं। बट जो प्रोग्राम है चाहे वो सुफियाना कव्वाली के हो गजल के हो या संगीत की किसी भी कैटेगरी के प्रोग्राम्स हो सो उस पे पब्लिक गैदरिंग पे जो कम्प्लीटली पाबंदी है लॉकडाउन की और कोविड की वजह से सो उसकी वजह से कोई शो कोई कॉन्सर्ट कुछ भी नहीं है। और 1.5 साल 2 साल हो गया है
वो आर्टिस्ट जो एक ग्रुप में सह म्यूजिशियन मतलब सपोर्ट म्यूजिशियंस हैं, जो कोई तबला प्ले करता है, कोई कोरस करता है, कोई गिटार प्ले करता है, तो वो उन लोग की बहुत बुरी हालत है, बहुत ज्यादा। और वो लोग बहुत ही उसमें कुछ उस लोग ऐसे भी हैं कि जो अपनी अलग अलग जरूरतों को बहुत मुश्किल से पूरा कर पा रहे, बहुत ज्यादा किसी के लिए तो जिंदगी ही। और बहुत से लोग तो जा चुके हैं, बहुत से लोगों ने, अगर हम इस टॉपिक पर आए तो वो तो बहुत ही बहुत तकलीफदेह बात हो जाएगी कि हमारे कुछ लोग ऐसे हमारे साथ से जा चुके हैं कि जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, और वो इसी वजह से, कोविड की वजह से सो बहुत कुछ लॉस हुआ है, और अभी भी उसको लोग हम लोग फेस कर रहे हैं। जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा उसकी वजह से प्रॉब्लम में तो सभी हैं, लेकिन आर्टिस्ट जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और दुआ कर रहे हैं ईश्वर से, अल्लाह से, मुर्शिद से, कि जल्द से जल्द ये टिपिकल टाइम जो हमारी कंट्री कंट्री में, स्पेशली इंडिया में जो भी चल रहे हैं और दूसरी कंट्रीज, वो जल्द से जल्द फिनिश हो, खत्म हो, और कुछ खुशियां आए, कुछ बरकत आए, कुछ रोजगार आए, तो कुछ बहुत अच्छा सभी। अब जो आपने ऑलरेडी बोल दिया है, इससे ज्यादा मैं और क्या ही बोलूं। आपने इतनी खूबसूरत शब्दों में ये सब जो बोला है कि जो डिफिकल्टी, जो कोविड के वजह से जो लोग चले गए हैं, जो जॉब्स गई हैं, रोजगारी का प्रॉब्लम है, बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि कल जो इवेंट है आपकी 7 बजे से 8 बजे कवाली के बारे में, जो जिसका रेडियो पार्टनर है बिग FM, एंड ये जो NGO जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से जाए, और आपके ट्रूप को उसके लिए एब्सोल्युटली बेस्ट ऑफ लक। एंड होपफुली जल्द से जल्द ये अगर कोविड खत्म हो सके और हम आपकी और लाइव परफॉर्मेंसेस देख सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। बट आपका बहुत ही शुक्राना हमारे साथ बात करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दिल की गहराई से आप, और मैं आपके थ्रू सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज कल का शो जरूर ज्वाइन करें, और आपको वहाँ बहुत कुछ म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलेगा, और एक अच्छी कॉज के लिए, एक अच्छे नेक काम के लिए शो है, तो आप जितना इससे जुड़ेंगे उतना बहुत बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।